हाँ, वाकड़े स्टूडेंट्स। गुड आफ्टरनून एवरी वन, पीपल कैन हियर मी? वॉइस इज क्लियर? या ग्रेट ग्रेट ग्रेट। कैसे हैं सब भाई? एवरीबडी इज फाइन? या सो सर एक मिनट, मृण्मय चैतन्य आर आर्शिया, तुम्ही वाकड्याचे स्टुडंट नाही आहात का? डन मैम, मैम यू आर डन? नो नो सर, 5 मिनट्स। Yes, attendance is going on. Ma'am, preferably take the screenshot. That will be quick. Done, sir. Yeah, thank you, ma'am. Thank you. Okay. So, let's start the discussion. So, we have to start from... Yeah, Atharva, that's fine. Don't worry. Like, रिविजन चलते रहता है ना, रिविजन होना बहुत जरूरी है। सो या ओके, आई रिवाइज एवरीथिंग दीप, डोंट वरी। हाय ओम, गुड आफ्टरनून। या हरिकांत, आई नो आई हैव डन 3 लॉज, बट हम लोग अभी आज से अपना जो फुल फ्लेज सेशन है ऑफिशियली अब हम शुरू कर रहे हैं। जो बैच होता है ना प्रॉपर, वो अब हम आज से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। दूसरा चीज, संडे यू हैव इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट, ठीक है। या अमन, आई एम फाइन बॉय। सो संडे यू हैव फिजिक्स का एग्जाम, टेस्ट ऑन फिजिक्स, एंड फॉर लॉगिन आईडी एंड अदर डिटेल प्लीज कनेक्ट विथ योर कोऑर्डिनेटर, जो आपको लेक्चर डिटेल्स वगैरह भेजते हैं उनसे प्लीज कनेक्ट करें, और लॉगिन आईडी वगैरह बाकी डिटेल्स जो है वो उनसे ले ले। संडे फिजिक्स टेस्ट, संडे फिजिक्स, राइट, ओके, ओनली फिजिक्स। या डोंट वरी, हम भी आएंगे टेस्ट लेके, ठीक है। वैष्णवी, वो सब डिटेल प्लीज कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करें, ओके। एंड एवरीथिंग, लॉगिन डिटेल, आई मीन लॉगिन डिटेल, उसके बाद टाइमिंग, टॉपिक, सब वो दे देंगे, ओके।
या चलो आई विल स्टार्ट द डिस्कशन. सो ऑफिशियली अभी आज से अपना बैच शुरू. ओके सो अब हम अपना जो भी डिस्कशन डाउट वो सब हम अब ऑफिशियली शुरू हो रहा है. तो नंबर नोट कर ले मेरा. केमिस्ट्री संबंधित कोई भी समस्या, पढ़ाई रिलेटेड कोई भी जानकारी, सो जब भी मैसेज करो प्लीज थोड़ा सा खुद को इंट्रोड्यूस कर देना. ओके सो दैट मुझे आइडिया आए एंड आई कैन सेव योर नंबर. ओके ओके सो डिटेल अपना नाम, बैच, लोकेशन. ओके पूरा प्रॉपर, नहीं तो फिर वो कौन से, जब तक मैं सेव नहीं करूंगा तो फिर मैं रिवर्ट नहीं कर पाऊंगा, फिर कभी आंसर देना भी होगा तो मैं दे नहीं पाऊंगा ऐसा. ओके चलो अतिशा इज देयर ऑन द बोर्ड बेटा. 9769607801. ओके चलो लेट्स स्टार्ट. अच्छा चलो गौरव आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम दैट पार्ट ओनली. अब हम प्रॉपर, क्योंकि अब हम ऑफिशियली अपना सेशन शुरू कर रहे हैं तो अब हम प्रॉपर रिवीजन के साथ जाएंगे, क्योंकि रिवीजन ये बहुत इंपॉर्टेंट है. 10 बारी बिगनिंग में रिवीजन करेंगे सो दैट टॉपिक उतना ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो. 10 बारी रिवीजन करेंगे सो दैट टॉपिक ज्यादा से ज्यादा स्ट्रांग हो. सो मोल, मोल इस वर्ड का मतलब क्या है? क्वांटिटी, ठीक है. सो एक मोल मतलब कितने एटम्स होंगे? वन मोल ऑफ एटम मतलब हाउ मेनी एटम्स? एवोकाडो, अरे एवोकाडो नहीं भाई, एवोकाडो खाते हैं भाई, एवोकाडो होता है, एवोकाडो नहीं, ठीक है कंट्रोल. हाँ तो ये देखो बेचारा एक भूखा बच्चा एवोकाडो के पीछे पड़ा है. एवोगैड्रो नंबर, वेरी गुड. सो एवोगैड्रो नंबर कितना होगा? यस यस, वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है. एवोगैड्रो नंबर विल बी 6.022×10^23 नंबर ऑफ एटम्स. वेरी गुड वेरी गुड. सो वैसे ही वन मोल ऑफ मॉलिक्यूल की बात करूंगा सो ये कितना होगा? एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कितना होगा? ये एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? यस और नो? यस और नो? वेरी गुड वेरी गुड. सी मेमोरी वापस आ रही है. अच्छा एक कार्बन एटम का मास और एक मोल ऑफ कार्बन एटम का मास, इन दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों का वैल्यू कितना होगा? या सो एक कार्बन एटम विल बी 12 ग्राम. ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? ट्रू और फॉल्स? या इट विल बी 12 amu और ये वैल्यू हो जाएगा 12 ग्राम. याद आया कुछ? याद आया कुछ? यस और नो? याद आया कुछ? या अब amu को अगर मुझे ग्राम के फॉर्म में लिखना है तो 1 amu इज हाउ मेनी ग्राम? 1 amu इज हाउ मेनी ग्राम? 1.66×10^-24 ग्राम. इसको मल्टीप्लाई करो तो भी आंसर आ जाएगा. ओके और एक फॉर्म में लिख सकते हैं इसको. Can I write this as 12 gram upon Avogadro number? Yeah, Juhi, that's correct. Very good, very good, very good. यहां तक क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? Okay. 12 gram, ये तो ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, ग्राम को अगर amu में कन्वर्ट करना होगा तो यही नंबर से डिवाइड कर देना इस वैल्यू को. ओके ओके किसी ने कुछ पूछा सर, चैप्टर क्या? चैप्टर क्या?
मूल कंसेप्ट ही चल रहा है, चैप्टर का हेडिंग मूल कंसेप्ट ही चल रहा है, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। अब ऑफिशियली जब अपना प्रॉपर बैच के साथ अभी हम लोग चल रहे हैं, साइली आई गॉट दैट मैसेज, डोंट वरी आई विल डू दैट, डोंट वरी साइली, आई अंडरस्टूड दैट पार्ट, ओके या सो अभी जैसे कि मैंने बताया था कि हम लोगों ने टेक दिस लेक्चर क्वेश्चन वंस, मतलब टेक द लास्ट लेक्चर क्वेश्चन वंस, अरे हाँ बाबा आई एम रिवाइजिंग दैट पार्ट ओनली, सो डोंट वरी। सो एएमयू और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया, ओके एएमयू और ग्राम के बीच का डिफरेंस समझ में आ गया। तो उसके बाद हम लोगों ने एक फॉर्मूला किया था, याद है, मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम। मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? मेरा आवाज क्लियर आ रहा है सभी को? ओके दीप, मेरा आवाज क्लियर है बेटा? तुम्हारे एंड पे थोड़ा सा नेटवर्क इश्यू होगा, बट डोंट वरी वो हो जाएगा। सो दिस विल बी एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो। अच्छा हम लोग ये बैठ के कैलकुलेशन करेंगे या हम लोग बोलेंगे नहीं 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 भाई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ओके डायरेक्टली उसको हम लोग एएमयू में लिख देंगे, ये ज्यादा बेटर होगा, कैलकुलेशन करते बैठू या उसे एएमयू में कन्वर्ट कर दू, एवरीवन कैलकुलेशन लेके बैठू या उसे एएमयू में कन्वर्ट कर दू, डायरेक्ट एएमयू में कन्वर्ट कर दो, यस वेरी गुड, डायरेक्ट एएमयू में कन्वर्ट कर दो, क्योंकि हमें वहां पर क्या करना है, वी आर या अमन, दैट्स करेक्ट, हमें वहां क्या करना है, अरे भाई टाइम सेव करना है ना, टाइम पर्टिकुलर टाइम में केमिस्ट्री खत्म कर देना है, तो ये पार्ट क्लियर हो गया, कन्वर्ट टू एएमयू डायरेक्टली, ठीक है ठीक है। उसके बाद If as in gram then calculate, और अरे ग्राम में पूछा है तो भी कोई डिफरेंस नहीं है ना, यहाँ पर मास ऑफ वन एटम के बजाय ओके वहां पर वन मोल ऑफ एटम पूछेंगे, मास ऑफ वन एटम के बजाय मास ऑफ वन मोल ऑफ एटम पूछेंगे, या वी हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन दीप, वी हैव टू सॉल्व, जब अब क्वेश्चन हम लोगों को करना ही बहुत सारा है, अभी जब बैच शुरू होता है ना तो हम उसके पुराने में चले। आवाज आ रही है क्लियर? आवाज आ रही है क्लियर? इन जेई एग्जाम मतलब या हाँ जेई एग्जाम में यू हैव टू सॉल्व मैक्सिमम क्वेश्चन, जेई एग्जाम में मतलब एग्जाम पीरियड में तो जितने क्वेश्चन सॉल्व होंगे उतने ज्यादा तुमको मार्क्स मिलेंगे ना। एनए का वैल्यू क्या होता है, व्हाट इज एनए मॉलिक्यूल, एवोगाड्रो नंबर को एनए से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एनए का वैल्यू कितना होता है, 6.022 × 10³ एटम्स और 6.022 × 10³ मॉलिक्यूल, इतने मॉलिक्यूल्स। रिवीजन बहुत जरूरी है, ध्यान में रखो रिवीजन बहुत जरूरी है, अभी रिवीजन क्विक क्विक करने पे समझ में आ जाता है कि हाँ ठीक है, लेकिन एवरी लेक्चर हमें पुराना रिवीजन करना है, नहीं नहीं रिवीजन के साथ हम लास्ट टाइम के कुछ क्वेश्चंस थोड़े अलग लेवल से करने वाले हैं, सिमिलर क्वेश्चंस करेंगे, ओके। मास ऑफ वन एटम इज एटॉमिक मास अपॉन एवोगाड्रो नंबर, क्लियर। नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। फॉर्मूलेस कुछ तो किए थे, कितने फॉर्मूलेस किए थे हम लोगों ने, कितने फॉर्मूलेस किए थे हम लोगों ने, फोर, यस यस। पहला फॉर्मूला रिलेटेड टू एटम था,
So what does first formula stands for? Number of moles. What was first formula? Given mass upon atomic mass. Okay, so given mass upon atomic mass. ये जो numerator है, याद करो, ये random weight होता है या fixed weight होता है? It's a random weight or fixed weight. Second case, given weight upon molecular weight. Given weight upon molecular weight. Okay, given weight upon molecular weight. Third case, given number of atoms upon Avogadro number of atoms. Given number of atoms upon Avogadro number of atoms. Fourth case. Given volume upon standard volume. Yaad aaya? Okay. Given volume upon standard volume. So, ye formula main as it is rakhta hoon. I'll give you some different question. आज मैं कुछ अलग question देता हूं. Okay? ध्यान से सुनना. चैतन्य, जो भी previous lecture है ना, वो जो तुम्हारे, you are from which batch, Chaitanya? छवि, n stands for mole. N का सिंबल मतलब मोल. N stands for mole. N stands for mole. Okay. जिनको भी पुराने सेशन का रिवीजन चाहिए, एक बार कोऑर्डिनेटर से, अपने कोऑर्डिनेटर से कांटेक्ट करो, वो लोग तुम्हें गाइड करेंगे कैसे क्या करना है. आई मीन यू आर फ्रॉम मुंबई और आउटसाइड मुंबई. चैतन्य, व्हाट इज योर लोकेशन? चैतन्य, मोहित, आई विल टेक दैट बेटा. आई विल बी ओके चैतन्य, ओके ठीक है. सो आई विल चैतन्य, आई विल आस्क समवन टू अरेंज फॉर यू, समवन विल कॉन्टेक्ट यू, डोंट वरी. ओके चलो, अभी हम लोग देखो क्वेश्चन जो है ना, हम लोगों ने तीन लॉस किए थे, आज फोर्थ लॉ करना है. बट उसके पहले थोड़ा सा हम ये कर लेते हैं, क्योंकि लॉज पे जब मैं तुमको पहला असाइनमेंट या क्वेश्चन बना के दूंगा ना, तो बहुत ज्यादा से ज्यादा लोग उसमें ना छोटे छोटे पॉइंट पे नोइंगली अननोइंगली मिस्टेक करते हैं. ठीक है, एक ही लॉ हुआ है. हाँ ठीक है, कुछ लोग शायद एक ही लॉ अटेम्प्ट किया होगा, कोई बात नहीं, मैं उसको ये कर देता हूं. या सो फटाफट मुझे इस पॉइंट का आंसर दें. कैलकुलेट मोल, ओके, ऑफ फर्स्ट 156 ग्राम ऑफ इथेनॉल. तुमको जो फॉर्मूला लगाना है लगाओ. सेकेंड, 56 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम. मैं थोड़ा थोड़ा ही क्वेश्चन दूंगा, सो दैट वी हैव अ क्विक रिवीजन, बट विथ अ लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन. थर्ड, 10^21 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2. फोर्थ इज 5400 लीटर ऑफ मीथेन गैस. ओके 5400 लीटर्स ऑफ मीथेन गैस.
Second question is 56 gram of aluminium atom. Aluminium, AL, aluminium atom. Okay, atomic mass of aluminium. Come on, come on, come on. Are you genius people? Come on. Atomic mass of aluminium, 26. अच्छा रुद्रा डायरेक्ट डबल किया, क्षितिज डायरेक्ट डबल किया, ओके okay, अरे चेक कर लो एक बार, घाई मत करो भाई, घाई मत करो. या यश दैट्स करेक्ट, यश दैट्स करेक्ट, एक ही आंसर आया भाई अभी तक, क्या कर रही है जनता है जी, चेक कर लो, चेक कर लो, पीरियोडिक टेबल अपने सामने होना चाहिए. आकाश दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट, या स्वयं दैट्स करेक्ट, श्रद्धा चेक बेटा, चेक आंसर चेक करो श्रद्धा, अद्वैत चेक करो आंसर बेटा, नो 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 नो, या हिमांशु एग्जैक्ट नंबर मतलब राउंड फिगर ले लेते हैं 27, हिमांशु राउंड फिगर ले लेते हैं 27, ओके okay? अपने हिसाब से अभी कैलकुलेट करो, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, घाई नहीं करना है, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम. मैं तुमको लॉस पे भी अभी क्वेश्चन दूंगा, मैं एक एक लॉ पे अभी तुमको मैं क्वेश्चन दूंगा, ये कर लो पहले. एक एक आंसर मत लिखो, whoever is with the name zoom.in, please write your proper name. Whoever is with the name zoom.in, please write your proper name. आराम से करो, आराम से करो. सो सबसे पहला फॉर्मूला, ये चार फॉर्मूले अपने सामने हैं, ओके okay? या प्रियांक, आई डू इट, आई डू इट, डोंट वरी, डोंट वरी, आई डेफिनेटली हेल्प यू. ये चार फॉर्मूले पे ही मैंने तुमको चार क्वेश्चन दिया है, ओके okay? ध्यान से सुनो. छवि गुड जॉब बेटा. अब 156 ग्राम ऑफ इथेनॉल दिया है, इथेनॉल, इथेनॉल. तो टेल मी प्रियांक, टेल मी इथेनॉल में ये एन फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करो. फर्स्ट एटॉमिक मास मतलब एटम से रिलेटेड है, सेकंड मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल से रिलेटेड है. तो ऑफकोर्स इथेनॉल एक मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल है ना, सिंगल एटम थोड़ी है, मॉलिक्यूल है. तो मैं सेकंड फॉर्मूला यूज करूंगा, क्लियर क्लियर, सेकंड फॉर्मूला. सो उससे पहले मुझे इथेनॉल का मॉलिक्यूलर वेट चाहिए, टू कार्बन 6 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन, ओके. सो यहां पर कितना आ रहा है, कार्बन का 12 प्लस 6 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16, कितना होगा ये 46 ग्राम, ओके ग्रेट. यानी मेरे पास मॉलिक्यूलर वेट आ गया 46 ग्राम, तो मोल क्या लिखूंगा, 156 बाय 46. चलो डिवाइड करो, ओके. सो पहला वाला आंसर बहुत से लोगों ने दिया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड निहारिका, वेरी गुड यश, श्रेयस वेरी गुड, क्या बात है क्या बात है, रुद्रा सानिका दैट्स ग्रेट. सो आई एम गोइंग टू कॉल इट एज 3.39, which is nothing but let's say 3.4. Is that okay? Is that okay? You have written 5 in question. Which question? What I have written? C2H5 na? Are ye H5 or ye H kitna hua? टोटल हाइड्रोजन लिखा है ना बेटा मैंने, हाँ है ना, टोटल हाइड्रोजन लिखा है कि नहीं लिखा है मैंने, यस और नो, टोटल हाइड्रोजन, यस ओके, या आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं.
सेकेंड वाला 56 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम, व्हाट इट विल बी 56 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम एटम. तो एल्यूमिनियम का मास कितना है? अच्छा कौन सा फॉर्मूला लगाओ, फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? जल्दी फर्स्ट वाला या सेकेंड वाला? फर्स्ट वाला ऑफ कोर्स, एल्यूमिनियम एटम दिया है, मॉलिक्यूल नहीं दिया है, तो मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट. तो कितना आएगा 56 ग्राम गिवन वेट है, एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास कितना है? एनीवन 27 या एल्यूमिनियम. तो सेकंड का आंसर हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू 56 अपॉन 27. इसका आंसर निकाल लें. ओके 2.07 व्हाटएवर. व्हाई नॉट? क्या 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 व्हाई नॉट? अमन 27 उसका एटॉमिक मास है बेटा. पीरियोडिक टेबल में जब देखोगे ना तो एल्यूमिनियम का नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला के दिया 27. ओके चलो 2.0708 व्हाटएवर यू गॉट द आंसर. थर्ड वन कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिया है, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं? थर्ड वाला. सो गिवन नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स, क्या हो जाएगा? या श्वेत, फर्स्ट वाला हम लोगों ने फॉर्मूला लगाया गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट. गिवन वेट 156 है, मॉलिक्यूलर वेट इथेनॉल का 146 है. We got mole. This was first question, Shwet. ठीक है. उसके बाद 56 atomic given weight है aluminium का, atomic mass 27, 2.07 something आया, right? 2.0708 कुछ तो आया, right? Third वाले में given number of molecules 10^21, Avogadro number of molecules 6.022 10^23. अब बताओ कितना आया आंसर? क्या मैंने थर्ड फॉर्मूला बराबर लगाया? चैतन्य पाटिल, क्या मैंने थर्ड फॉर्मूला बराबर लगाया? तुमको फॉर्मूला सिलेक्शन आना चाहिए. ओके फॉर्मूला सिलेक्शन आना चाहिए, और ज्यादा है भी नहीं ना, ज्यादा फॉर्मूले है भी नहीं. हम लोगों को डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके सब्स्टिट्यूट कर देना है. तो आंसर आता है 10^23 ऊपर गया, 10^-23 ये हो जाएगा -2, 1/6 पॉइंट इतना आता है, तो 1.66 10^-3. क्लियर क्लियर. अरे तिशा ऊपर 21 भी तो है ना बेटा, तिशा ऊपर 21 भी तो है, तिशा ऊपर 21 भी तो है ना बेटा. ओके वापस बताता हूं, 10^23 अगर ऊपर गया, 10^23 अगर ऊपर गया तो क्या बनेगा? ये थर्ड क्वेश्चन आई एम डूइंग. 10^21 अपॉन 6.022 10^23, इज दिस ओके? ओके आगे चलते हैं. सो एन विल बी इक्वल टू 10^21, 10^23 न्यूमरेटर में लेके जाओ, 10^-23 अपॉन 6.022. क्लियर. सो 10^21 एंड 10^-23 कितना हो जाएगा? कमॉन 10^21 10^-23 कितना हो जाएगा? 10^-2. ठीक है, उसको साइड में रखता हूं. कैन आई से दिस इज 1/6.022? करेक्ट. 1/6.022 अगर डिवाइड करोगे
So you will get the answer 0.166 into 10 raised to minus 2. This will be 1.66 into 10 raised to minus 3. Easy? Easy? Hi, Anna. Everybody. Yes or no? Are bhai, sab log bolo. Yes to bolo. Yeah, we can write it as 1.66 milligram. Yes, yes. Clear hua sabhi ko? Clear hua? Okay. Abhi, last time shayad maine standard volume ko leke tumko bataya tha ki NCRT mein changes ho gaye hain. So mole will be 5400. Yahan pe main bol raha hu at STP. Standard temperature pressure. Tisha, you need to divide that, beta. Haan, Tisha, agar tum isko ye solve karoge, to 1 upon Avogadro ko hi solve karoge, to tumko answer aana chahiye 1.66 into 10 raised to minus 24. Tisha, 10 raised to 21 mat dekho. 1 upon Avogadro number karo, to tumko ye number aayega, Tisha. Barabar? तो 10 रेस टू 21 और 10 रेस टू माइनस 24 विल बी हाउ मच 10 रेस टू माइनस 3 करेक्ट यस और नो सो वी रीच टू द सेम वैल्यू तिशा ऐसे मतलब ऊपर 1.66 डायरेक्टली लिख दो या बाद में डिवाइड करो इट्स वन एंड द सेम क्लियर हुआ बेटा ओके या अब वॉल्यूम वाले पे आ जाते हैं 5400 लीटर अपॉन 22.7 हम लोग यही वैल्यू से लेके चलते हैं 22.4 मैंने चेंज करवा दिया तो 22.7 STP, standard temperature pressure. At STP, it should be 22.7. Is that clear? Chalo. 22.7 at STP, Rudraksh, 22.7 at STP, standard temperature pressure. Zoom.in, please rename yourself. 237.8, okay, very good. Parth, no, take 22.7. Last time maine bataya tha na, STP pe 22.7. Yeah, they will mention in the question at STP, standard temperature pressure. They will mention in the question paper that it is at STP. Chalo. So, mole ke formula ka revision ho gaya. Sabhi ko, kisi ko formula mein koi doubt? Kisi ko formula mein koi doubt? Yeah, 237. Yeah, at STP. Yes. याद तक क्लियर चारों फॉर्मूले क्लियर स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर वैष्णवी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एट एसटीपी यस मितांश आई सेड इन पेपर वो लोग एसटीपी मेंशन करेंगे अगर देखो नंबर ऑफ न्यू प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अगर इक्वल रहे ना किसी का एक सवाल आया कि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल रहे ना इक्वल तो वो एलिमेंट काफी स्टेबल होता है ओके वो एलिमेंट काफी स्टेबल होता है जैसे कार्बन के नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं जिसका मास नंबर 12 है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं ठीक है लेकिन अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इक्वल नहीं हुए मान लो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन इक्वल नहीं हुए तो दे हैव एन अनस्टेबल न्यूक्लियस मतलब या तो प्रोटॉन ज्यादा है या तो न्यूट्रॉन ज्यादा है
वो लोग खुद को ब्रेक करके स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं. फिर से बताता हूँ, वो लोग खुद को ब्रेक करके स्टेबल बनने की कोशिश करते हैं. समझ में मैंने क्या बोला? खुद को ब्रेक करके स्टेबल होने की कोशिश करेंगे. उसके लिए उनको थोड़ी एनर्जी रिलीज भी करनी पड़ी, समवन लाइक रेडियो एक्टिव, तो भी वो करेंगे. लेकिन क्या है स्टोरी इधर, हरेक को स्टेबल होना है. क्या होना है? हरेक को स्टेबल. क्लियर विद दिस? एनी कंफ्यूजन टिल नाउ? प्रोटॉन न्यूट्रॉन का पूरा कहानी नेक्स्ट चैप्टर में शुरू होगा, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर. विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर? लास्ट वाले का आंसर कितना आया था? वॉल्यूम वाले का आंसर कितना आया था? 237. Whenever standard temperature will be mentioned, मैंने last time पे भी बताया था कि हम लोग ना, कितने लोगों को ideal gas equation पता है? हाँ, last वाले का answer 237.8. कितने लोगों को ideal gas equation पता है? कितने लोगों को पता है? सुना है ideal gas equation? या मैं formula लिख देता हूँ. ये फॉर्मूला तो देखा होगा ना, ठीक है? ठीक है, अभी होता क्या पता है, ये वॉल्यूम जो हम कैलकुलेट कर रहे थे ना, ये 1 एटमॉस्फियर पे, उस समय वॉल्यूम 22.4 लीटर आ रहा था. अब प्रेशर जब चेंज हुआ, वॉट एवर, वॉल्यूम 0.987 समथिंग हुआ प्रेशर, ठीक है प्रेशर, तो ये क्या हो गया, इन दैट केस वॉल्यूम हमें 22.7 लीटर लेना पड़ा. ओके, मैंने ये चीज क्लास में भी बताया था कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक ने ये चेंज मेंशन किया है. श्रेय, अगर हाइड्रोजन रिएक्टिव होगा, इन व्हाट इट विल ब्रेक, ऐसा नहीं, रिएक्टिव होगा मतलब हम लोग ये देखते हैं कि उसके पास देर इज ओनली 1 प्रोटॉन अवेलेबल, राइट? इट्स ओनली 1 प्रोटॉन अवेलेबल, करेक्ट? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बैलेंस है, तो उसका n बाय p का रेशियो में ही गड़बड़ नहीं. या ये फॉर्मूला फिजिकल केमिस्ट्री का ही है जो यूज होता है. चलो, व्हाट वाज द फर्स्ट लॉ, हम लोग वापस आ जाते हैं फर्स्ट लॉ पे. अभी सभी लोग, अभी मैं इस पे क्वेश्चन दूंगा. आकाश, कोई भी नंबर ऐसे एग्जामिनर तुम्हारे हिसाब से नहीं देगा भाई. 22.7 से अच्छे से मल्टी कैंसिल हो जाए, उस हिसाब से आंसर दो, क्वेश्चन दो, ऐसा नहीं होता है. तो सबसे पहला लॉ जो हम लोगों ने किया था, दैट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. मैं इस पे अभी क्वेश्चन कराऊंगा, ओके, ध्यान से सुनना. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट वाज द लॉ? ये स्कूल सेक्शन का लॉ था. व्हाट वाज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? यस, याद आ रहा है? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, ट्रू और फॉल्स? टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, करेक्ट? यानी जब हम इक्वेशन बैलेंस करेंगे तो ही हम फाइंड आउट कर सकते हैं. Yeah, Dhananjay, that's clear. Matter can neither be created nor can be destroyed, converted from one form to another. Correct? Matter can neither be created nor can be destroyed, converted from one form to another. Clear? Any confusion? No? Achha. Yahan pe ek simple hai, reaction tumko balance karna zaruri hai. The law says, टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स. करेक्ट, ये क्लियर हो गया. सो अब मैं इस पे क्वेश्चन देता हूं.
how many gram of carbon will be required to prepare ग्राम ऑफ मीथेन. क्वेश्चन एकदम सिंपल दिया है कि 128 ग्राम ऑफ मीथेन बनाने के लिए कितना ग्राम कार्बन लगेगा. क्वेश्चन समझा सभी को. मैंने लास्ट टाइम स्टेटमेंट लिखाया था, याद है? क्वेश्चन नहीं दिया था, अब मैं स्टेटमेंट के साथ क्वेश्चन भी दे रहा हूं. ओके, पार्थ इज विद द आंसर. ओके, पार्थ सेज 124, देन रुद्रा सेज 32. और कोई? देन श्रेय इज सेइंग 96 ग्राम. यश कदम सेज 10.6 ग्राम. सब लोग अलग अलग आंसर दे रहे हैं. 96, 124. लेकिन मैं सॉल्व कैसे करूंगा इस क्वेश्चन को? सॉल्व करने के लिए सबसे पहले मुझे इक्वेशन लिखना पड़ेगा, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन. ओके, वो भी बैलेंस्ड इक्वेशन. बिना बैलेंसिंग के तुम क्वेश्चन कर नहीं सकते. इज दैट ओके? ओके, मधुरा सेज 124, ऋषभ सेज 96. Now, ये रहा कार्बन. देखो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. ये रहा कार्बन, ये रहा मीथेन. करेक्ट, कार्बन और मीथेन की बात करें, सभी लोग ध्यान से देखें. कैन आई राइट, सिंस 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड टू मेक 16 ग्राम मीथेन. क्या पहला लाइन एज पर द इक्वेशन मैंने सही लिखा है? 12 ग्राम ऑफ कार्बन मतलब एक मोल ऑफ कार्बन. ये एक मोल है ना, एक मोल. बैलेंसिंग करते वक्त हम मोल्स बैलेंस करते, तो एक मोल का वजन है 12 ग्राम. टू गिव वन मोल ऑफ मीथेन 16 ग्राम. करेक्ट, अगर 12 ग्राम लगता है 16 ग्राम मीथेन बनाने के लिए, तो देयरफॉर X gram will be required to form 128 gram of methane. Okay, so people are giving me 96 ka answer. X into 16 is 128 into 12. X is equal to 128 into 12 upon 16. Come on, everybody got? I'll repeat again. Question में उन्होंने पूछा है कि कार्बन कितना लगेगा अगर मुझे 128 ग्राम मीथेन बनाने का है तुमको. तो it's like very simple question कि मुझे अगर let's say पांच dozen mango लेके आना है, पांच dozen mango, तो पैसे कितने लगेंगे? बराबर, ये समझ में आया? क्वेश्चन क्या है कि इफ आई एम प्लानिंग टू ब्रिंग, या दैट्स ओके. ये फॉर्मूला इतना इजी है, 1:1 के डायरेक्ट कर सकते हो. क्योंकि यहाँ पे देखो ना, बैलेंसिंग ऐसा है कि एक कार्बन एक ही मीथेन देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, यहां पर क्या है, या वापस, तो 128 ग्राम अगर मीथेन बनाने का है तो उसके लिए कार्बन कितना लगेगा? नासिक औरंगाबाद मैं सबसे पहला लॉ ही करा रहा हूं. ओके, और उस पहले लॉ पे मैं एकदम बेसिक क्वेश्चन करा रहा हूं. इवन इफ यू हैव नॉट डन, हम लोग डायरेक्टली इसको मैंने एक्सप्लेन किया, उसके बाद ये क्वेश्चन देखोगे तो तुमको समझ में आ जाएगा. ठीक है. हाँ, बैलेंसिंग इस केस में बैलेंसिंग करने की जरूरत भी नहीं है, बिकॉज मैंने किसके बारे में पूछा है? कार्बन और मीथेन के बारे में. तो मैंने एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया तुमको,
एकदम सिंपल क्वेश्चन दिया है, ठीक है आगे बढ़े। या केतकी आई एम कमिंग टू दैट मेथड ओनली। 16 ग्राम जो है वो मीथेन का मॉलिक्यूलर वेट है। मीथेन इज मेड अप ऑफ वन कार्बन विच इज 12 ग्राम, फोर हाइड्रोजन विच इज 4 ग्राम, तो हो गया 16 ग्राम। इज दिस ओके? या आगे बढ़े। या श्रेय आई एम कमिंग टू दैट। अभी तुमको क्या करना है, ये दूसरा मेथड देखो जो ज्यादा से ज्यादा तुमको अप्लाई करना है। ओके ज्यादा से ज्यादा। कैन आई से मोल ऑफ कार्बन, ये वाला मेथड ज्यादा चूज करना, अपॉन मोल ऑफ मीथेन इज इक्वल टू 1:1। अथर्व कुलकर्णी, कैन यू कंफर्म एवरीबॉडी? इक्वेशन जब मैंने बैलेंस कर दिया, अरे मैंने एग्जांपल बहुत सिंपल दिया है। ओके बहुत सिंपल, इसलिए शायद तुमको ये लगे कि अरे ये तो कितना सिंपल क्वेश्चन है, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट करना है आंसर आ जाएगा। यस इट्स ओके, सब्स्टिट्यूट कर लो आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये देखो श्रद्धा, मोल ऑफ कार्बन बैलेंसिंग करने पे कितना लिखा है मैंने, 1, तो मोल ऑफ कार्बन के आगे 1। मोल ऑफ मीथेन कितना लिखा है, इधर 1, तो इधर भी 1। श्रद्धा समझा? ओके अब राइट हैंड साइड तो खैर 1 ही आ रहा है। कैन आई से मोल ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन, अगर मैं इसको इस तरफ लेके जाऊं? यस ओके। मोल का फॉर्मूला क्या है, गिवन वेट ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, गिवन वेट ऑफ मीथेन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ मीथेन, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट। क्या ये बराबर लिखा? सभी लोग कंफर्म करो, ये मेथड मैं ज्यादा से ज्यादा यूज करूंगा और डिफिकल्ट क्वेश्चन यही मेथड से मैं सॉल्व करूंगा। प्लीज अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट क्वेश्चन यही मेथड से सॉल्व करूंगा। सबसे पहले मैंने डोंट इग्नोर दिस पार्ट, क्योंकि ये क्या, अभी मैंने क्वेश्चन बहुत सिंपल दिया है, ठीक है दिया ध्यानी, दैट्स ओके। ये 12/16 इज 3/4 ओनली ऑफ 128, तो वही अभी मैं मेथड सिखा रहा हूं अलग अलग, तो समझने की कोशिश करो। ओके आर्यन आई विल एक्सप्लेन अगेन। कभी भी इक्वेशन बैलेंस करो बराबर। ओके मैं वापस सिखा रहा हूं, सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो बराबर। एवरीबडी जिनको नहीं समझा वो लोग स्टेप फॉलो करो। सबसे पहले इक्वेशन बैलेंस करो बराबर, यस और नो। ओके इक्वेशन बैलेंस करने के बाद ये देखो कि किसके बारे में पूछा है और किसके बारे में डेटा दिया है। तो कार्बन के बारे में क्वेश्चन पूछा है, मीथेन के बारे में डेटा दिया है बराबर, हाँ या ना? सभी लोगों ने कंफर्म किया, ये क्वेश्चन में मैं प्रैक्टिस के लिए और एक क्वेश्चन दूंगा, आप प्लीज फोकस ऑन राइट नाउ व्हाट आई एम टीचिंग, बाकी सेक्शन को जाने दो, पहले ये सेक्शन पे फोकस करो, ठीक है। फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक बाद में, पहले यहां पे फोकस करो। ओके इज दिस पार्ट करेक्ट? तो मैं सिर्फ उन्हीं लोगों को कंपेयर करूंगा जिनके बारे में पूछा है
जिनके बारे में डेटा दिया है। तो किसके बारे में? कार्बन और मीथेन। इसलिए मैंने देखो इधर रेड एरो बनाया, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, मतलब क्या, कि इन दोनों के बारे में ये करना है। अच्छा, किसी ने अभी मुझसे सवाल क्या पूछा देखो, किसी ने मुझसे सवाल क्या पूछा देखो, सवाल ये पूछा कि सर अगर आप मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ मीथेन 1:1 लिख रहे हो तो आपको आया मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन, बराबर, ठीक है। तो आंसर देखो क्या, मुझे मेरे सामने सवाल क्या रखा देखो, देखो कि सर एक मोल ऑफ कार्बन 12 ग्राम होता है, एक मोल ऑफ मीथेन 16 ग्राम होता है, तो वो लोग इक्वल कैसे हुए? सवाल समझा सभी को? सवाल समझा सभी को? यस ना? अरे भाई मैं मोल की बात कर रहा हूं। अभी मुझे एक बात बताओ, अगर एस इन दोनों को इक्वल करना है, ठीक है, तो ऐसे भी हो सकता है ना कि गिवन वेट 12 ग्राम है और इसका एटॉमिक वेट भी 12 ग्राम है, तो ये भी 1 हो गया, ये 16 ग्राम बाय 16 ग्राम, ये भी 1 हो गया। अरे मैं तो इनको इनके रेशियो के हिसाब से इनको लिख रहा हूं, मैं इनका वेट थोड़ी लिख रहा हूं, मैं इनका मोल्स लिख रहा हूं, वेट नहीं लिख रहा हूं, मैं इनका मोल्स लिख रहा हूं। तो इनको इक्वल मतलब वेट ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन। कैन यू टेल मी वेट ऑफ कार्बन कितना है? नहीं, वही ढूंढना है अपने को। एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन 12, वेट ऑफ मीथेन कितना दिया है? 128, एटॉमिक वेट ऑफ मीथेन 16। सो वेट ऑफ कार्बन क्या हुआ? 128 × 12/16। क्या हम लोग वहीं पहुंचे? क्या हम लोग वहीं पहुंचे? मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। अभी और एक सवाल, ये समझाने के बाद और एक सवाल आया कि सर अगर मोल इक्वल है तो मीथेन अगर 128 दिया तो कार्बन भी 128। भाई मोल और मास में फर्क है या नहीं? मोल और मास में फर्क है या नहीं? तो मैं अगर मोल इक्वल कर रहा हूं, इसका मतलब क्या, अगर मीथेन 128 ग्राम है, मेरी बात ध्यान से सुनो, अपॉन 16 किया मैंने, 128 अपॉन 16, जो भी आंसर 8 आया इधर 120, यानी 8 मोल्स बराबर, हाँ या ना, मोल्स ऑफ मीथेन निकालो कितना आया, मोल्स ऑफ मीथेन बताओ, तुमको तुम्हारे लैंग्वेज में एक्सप्लेन करता हूँ, 128/16 कितना आया? 8 आया, बराबर, हाँ या ना? तो अभी एक काम करो, मोल ऑफ मीथेन कितना आया तुमको, कितना है मोल ऑफ मीथेन? 8 आया, वेरी गुड, यहां 8 लिख दो, ओके। मोल ऑफ कार्बन इज वेट ऑफ कार्बन अपॉन एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन, एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन को इधर लेके जाओ, तो वेट ऑफ कार्बन विल बी 8 × एटॉमिक वेट ऑफ कार्बन कितना होगा? 12। अब आंसर कितना आया? 96। मतलब तुम लोग ना क्वेश्चन नहीं समझे, मैंने बोला दोनों का मोल्स इक्वल है, हाँ या ना? वापस सुनो, कंफ्यूजन अननेसेसरी, या मतलब मैंने बोला मोल इक्वल है, ठीक है, यानी अगर मीथेन का मोल 8 है तो मोल इक्वल है, मतलब कार्बन का भी मोल 8 है, हाँ या ना? मोल इक्वल होना, डज दैट मीन उनका मास भी इक्वल होगा? नहीं ना। अरे दोनों का एटॉमिक मास अलग अलग है तो उनका गिवन मास कैसे सेम हो सकता है?
अंडरस्टूड तुमने बोला मोल इक्वल है, आई सेड ओके, तो मैंने देखो ना इक्वल करके मैंने यहाँ पर इसका वेट नहीं डाला। तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग बोल रहे हो सर मोल इक्वल है मतलब अगर वेट मीथेन का 128 है तो कार्बन का भी वेट 120। अरे भाई मोल इक्वल बोला है या वेट इक्वल बोल रहा है, क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो, मोल इक्वल बोला है या वेट इक्वल बोला है, मोल इक्वल बोला है ना, ठीक है। मैंने मोल ऑफ मीथेन निकाला 8, क्योंकि ये इक्वल है, मोल ऑफ मीथेन 8 लिख के मैंने कैलकुलेट किया, आई गॉट सेम आंसर, हाँ या ना, हाँ या ना, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, कंफ्यूजन यही निकालो, यही निकालो सारा कंफ्यूजन, एग्जाम में नहीं होना चाहिए। जिन लोगों ने भी मुझे बोला सर मोल इक्वल मतलब 128 अगर मीथेन है तो 128 कार्बन होना चाहिए, मोल इक्वल है डज दैट मीन उनका मास इक्वल है, या दैट्स करेक्ट, दैट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, दैट्स वेरी गुड एग्जाम्पल, मैं ये एग्जाम्पल सबके सामने हाईलाइट करता हूँ, वेरी गुड, मतलब ऐसा एग्जाम्पल आएगा तो दैट मेक्स सेंस दीप, दैट्स करेक्ट। यानी दीप क्या बोल रहा है, दीप कह रहा है 5 dozen ऑफ बनाना एंड 5 dozen ऑफ मैंगो विल दे हैव सेम वेट, गुड गुड दीप, थैंक यू फॉर हेल्पिंग, 5 dozen ऑफ बनाना एंड 5 dozen ऑफ मैंगो क्या इन दोनों को इक्वल वेट होगा, इन दोनों को इक्वल वेट होगा, समझ में आया लॉजिक, या एग्जाम्पल दे देना चाहिए था, सभी लोगों को क्लियर हुआ, सभी लोगों को क्लियर हुआ, ओके मैंने तुमको दो मेथड सिखाया, वेट कंपेयर करो या मोल रेशियो करके करो, ओके वेट मेथड करो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या मोल मेथड लेके करो, और एक क्वेश्चन दू ट्राई करोगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राइट लाओगे, मैं कह रहा हूं ट्राई करोगे, ये 103.5 ग्राम ऑफ कार्बन इज रिक्वायर्ड, ओ 103.5 कैसे आ रहा है, 103.5 कैसे आ रहा है राहिल, आंसर तो 96 है बेटा, इधर भी 96, इधर भी 96, इधर भी 96, या राहिल आंसर इज 96, ओम 103 कैसा आएगा ओम, चेक करो, चेक करो, 12 ग्राम इज इक्वल टू 16 ग्राम सेम मोल, दिस इज 1 मोल ऑफ कार्बन एंड 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन लाइक दिस, नहीं स्नेहा दैट्स रॉन्ग, स्नेहा दैट्स रॉन्ग, मैं मोल को कंपेयर कर रहा हूं, मेरी बात समझो, दीप ने जो एग्जांपल दिया वो ज्यादा सूटेबल है कि तुम्हारा मतलब इन दैट केस मैं अगर कहूं कि तुम्हारे पास 5 dozen मैंगो है और 5 dozen ऑफ बनाना है, दैट डजन उनका डजन इक्वल है, उनका डजन इक्वल है, उनका मोल्स इक्वल है, अंडरस्टूड, तो कार्बन का वेट कितना रखना पड़ेगा, कार्बन को विथ रिस्पेक्ट टू इट्स एटॉमिक मास, कार्बन को अपना वेट कितना रखना पड़ेगा सो दैट ही इज इक्वल टू मोल ऑफ मीथेन, कार्बन को अपना वेट विथ रिस्पेक्ट टू एटॉमिक मास कितना रखना होगा सो दैट ही इज इक्विवेलेंट टू मोल ऑफ मीथेन, करेक्ट 96 ग्राम। आगे बढ़ू, ओके नेक्स्ट, हाउ मेनी ग्राम, क्वेश्चन देखो, ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड टू फॉर्म 68 ग्राम ऑफ अमोनिया, क्वेश्चन देख लो, आराम से करो, क्वेश्चन देख लो,
क्वेश्चन देखो, रिएक्शन बता दूं तुमको. सो चलो, N2 प्लस 3 टाइम्स H2 गिव्स 2 टाइम्स अमोनिया. अभी ये हो गया मेरी तरफ से पहला हिंट, बैलेंस्ड इक्वेशन. और जिसके बारे में पूछा है और जिसके बारे में डेटा दिया है उनको मैं ये यूनिटरी, ये इसे कहते हैं, इसे कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. सबसे पहला लॉ, ठीक है, कि मैंने इक्वेशन बैलेंस किया, अब मैं डायरेक्टली उनके ऊपर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास अप्लाई कर सकता हूं. यानी से 12 ग्राम रिक्वायर्ड. अमितोष से 12 ग्राम, और किसी ने कोई अलग आंसर दिया था. रुद्रा से 12 ग्राम. तीशा से 4 ग्राम. केतकी से 12 ग्राम. श्रद्धा से 4 ग्राम. अरे 12 4 12 4 क्या चल रहा है भाई. किशा से 12 ग्राम. क्या कर रहे हो भाई, 12 4 12 4 खेल रहे हो. एक एक अमन से 12 ग्राम. यश इज विथ सम डिफरेंट आंसर 3.4 ग्राम. स्वयं से 12 ग्राम. आर्या से 4 ग्राम. देख लो विमी से 12 ग्राम. क्या बात है. अच्छा, सनिका इज विथ डिफरेंट आंसर 6 ग्राम. सुरभि इज विथ 12 ग्राम. अच्छा, कौन सा मेथड करूं, मोल रेशियो वाला मेथड से करूं या मास वाले मेथड से करूं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, कौन से मेथड से करूं, मास वाले से करूं. चलो ठीक है, चल तो मास वाले मेथड से करते हैं. थ्री मोल्स ऑफ एच टू का वेट कितना है, थ्री मोल्स ऑफ एच टू का वेट कितना, 6 ग्राम. तो आई विल राइट 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम. सिंस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन एटम गिव्स 2 अमोनिया. 2 अमोनिया मतलब कितना ग्राम, एक अमोनिया 17 ग्राम, तो 2 अमोनिया 34 ग्राम. बराबर बराबर, यस और नो, यस और नो, बराबर. तो सिंस 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लूंगा तो 34 ग्राम अमोनिया बनता है. देयरफॉर x ग्राम ऑफ हाइड्रोजन लगेगा टू फॉर्म 68 ग्राम ऑफ अमोनिया. अरे एकदम सिंपल तो है कि यहां पे 34 का 68 हो गया तो 6 का क्या होगा, डबल हो जाएगा ना. हाँ या ना. यस और नो, 12 ग्राम. सभी लोग भाई मोर देन 200 पीपल आर देयर. सभी लोग 52 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन. दीप 52 कैसा आया बेटा, दीप 52 कैसा आया बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो. 3 × 2 मतलब ये मॉलिक्यूल फॉर्म में है. एक हाइड्रोजन एटम 1 ग्राम का होता है. टोटल 6 हाइड्रोजन एटम है. मल्टीप्लाई तो करो, तो 6 ग्राम हुआ ना, एक मॉलिक्यूल 2 ग्राम. एक या निहारिका, दैट इज माई नेक्स्ट स्टेप बेटा. सभी को 12 ग्राम आ गया. अभी मैं एक काम करता हूं, तुमको ये मोल रेशियो मेथड से भी बता देता हूं. या श्रद्धा, आई एम कमिंग टू दैट. निहारिका ऑलरेडी टोल्ड मी. दिस इज मिस्टेक. Yield wouldn't be 100%. That's fine. Yield wouldn't be 100%. See, I'm not considering that all those parameters. क्योंकि initial phase है. Initial phase में मैं ammonia reaction में किसी का भी yield 100% नहीं होता.
ठीक है, कोई भी ऐसे रिएक्शंस नहीं होते जो स्लो रिएक्शन है और 100% यील्ड दे, नहीं तो फिर तो इंडस्ट्री मतलब लाखों मतलब बहुत बहुत कमाएगी। यील्ड 100% नहीं आता, वो अलग कंसेप्ट है, बट आई एम एज्यूमिंग कि ये प्योर रिएक्शन है तो डायरेक्ट यूनिटरी मेथड अप्लाई किया। ओके चलो मैं अभी इसको मोल मेथड से करता हूं। मोल ऑफ H2 अपॉन मोल ऑफ अमोनिया इज इक्वल टू 3/2। इज दिस फाइन? ये मोल रेशियो मैंने बराबर लिखा है क्या? देखो, डिड आई राइट मोल रेशियो प्रॉपर? हेबर्स प्रोसेस या रुद्रा? या ओके। सो अब मैं मोल्स ऑफ हाइड्रोजन को ऐसे लिख सकता हूं, 3/2 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। करेक्ट एवरीवन? सो अभी अपने को वेट ढूंढना है ना, अभी अपने को हाउ मेनी ग्राम ऑफ हाइड्रोजन बोला है ना, तो इसको ऐसे लिख दे, वेट ऑफ हाइड्रोजन ओके अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2 विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू मोल ऑफ अमोनिया। कितना होगा? गिवन वेट ऑफ अमोनिया अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, व्हाट विल बी द आंसर? कैन यू सब्स्टिट्यूट? ये ढूंढना है, ये है 2, ये 3/2 इंटू वेट ऑफ अमोनिया कितना है? 68, मॉलिक्यूलर वेट 34, डू इट फास्ट। जल्दी वेट ऑफ हाइड्रोजन निकालो, कितना आएगा? 70? हाँ सॉरी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया, या मैंने यहाँ का 34 टू मोल्स के हिसाब से डाल दिया, सॉरी दिस विल बी 70, या सॉरी मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया विल बी 70। ओम वापस इक्वेशन जब बैलेंस किया तो मैंने लिखा मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ अमोनिया, मोल ऑफ हाइड्रोजन कितना है? इक्वल टू 3, मोल ऑफ अमोनिया कितना है? 2, तो मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ अमोनिया इज 3/2, मोल ऑफ हाइड्रोजन बाय मोल ऑफ अमोनिया इज 3/2। क्लियर? आंसर बताओ कितना आ रहा है? आंसर बताओ कितना आ रहा है? या गायत्री, आई विल गिव, डोंट वरी। 56 नील, 56 कहां से आया नील? 56 कहां से आया? अरे 17 फोर्जा, 68 बराबर, ओके मॉलिक्यूलर वेट ऑफ अमोनिया इज 17 ना, तो 17 उधर आया। अब इसको उधर सॉल्व करो, ये 2 और 2 LHS RHS कैंसिल कर दो, 3 4 12, 2 2 कैंसिल। क्या सिद्धांत? आई विल बी गिविंग, ये मेथड समझ में आए? देखो क्वेश्चन ये स्कूल लेवल नहीं है, दिस इज नीट एंड IIT लेवल का प्रिपरेशन है, तो उसमें एक और दो क्वेश्चन पे तुमको कभी भी कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा कि अरे मैंने दो कंसेप्ट मोल रेशियो वेट वाला मेथड लगाया मुझे तो आ गया। तुम झूठ बोल रहा है, यू हैव टू कीप प्रैक्टिसिंग। समझ में आया? यस और नो? हाँ, तो इसका आंसर 12 आया। ओके और एक क्वेश्चन दू,
या ट्राई करो ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, रॉन्ग होगा ना, कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा रॉन्ग होगा, आई विल हेल्प यू। या अरे सीईटी लेवल भी हम लोग बहुत ही बेसिक लेवल क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत बेसिक लेवल, ये लेवल पे ही सीईटी के क्वेश्चन शुरुआत होते हैं, ये तो आना ही चाहिए तुमको, फॉरगेट अबाउट डिफिकल्ट पॉइंट। यस नो प्रॉब्लम, वो प्रैक्टिस करोगे तो आएगा। हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ क्वेश्चन लिखो, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी ग्राम्स, यश कदम ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना, एकदम एकदम प्योरली एकदम बेसिक लेवल पे चल रहे, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ ऑक्सीजन आर रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कंबशन For complete combustion, how many grams of oxygen are required for complete combustion of 108 gram carbon? For complete combustion of 108 gram carbon, dash gram of oxygen is required for complete combustion of 108 gram of carbon. Clear? Okay. So equation balance kar le. C plus O2 gives the CO2. Is this a balanced equation? Balancing ke bina tum question kar hi nahi sakte. Is this a balanced equation? Okay. Ab मुझे ये बता दो, मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ ओ टू इज हाउ मच, यहां बताओ। या ऋषभ दैट्स गुड लेट्स चेक द आंसर, दैट्स गुड, 1:1 देयरफॉर कैन आई राइट मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल ऑफ ओ टू, हाँ या ना? अच्छा तो इसका मतलब ये है क्या कि 108 ग्राम इक्वल टू 108 ग्राम ऑक्सीजन, इसका मतलब ये है मोल इक्वल है, मतलब मास इक्वल है? नहीं नहीं, ओके, 108 ग्राम कार्बन मतलब तुम उसका मोल निकाल सकता है क्या? 108 अपॉन 12 इज इक्वल टू मोल ऑफ O2, कितना आया? मैं मोल ऑफ कार्बन निकाल रहा हूं, दैट आई कैन डू, राइट? ओम डाउट बेटा, ओम, या सीशा सेज इट्स 9, ओके इट्स 9, सो कैन आई से मोल ऑफ ओ टू इज इक्वल टू मोल ऑफ कार्बन मतलब 9, तो कैन आई से मोल का फॉर्मूला गिवन वेट ऑफ ओ टू अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओ टू इक्वल टू 9? व्हाट इज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओ टू? सो गिवन वेट ऑफ ओ टू इज इक्वल टू 9 इंटू मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ओ टू इज 32 मॉलिक्यूलर वेट, 9 इंटू 32 एवरी वन, मुझे कुछ लोगों ने 144 आंसर दिया था,
मेथड समझा, हा या ना, मेथड समझा, मेथड समझा, यस और नो? क्वेश्चन बहुत सारे आएंगे, मैं तुमको ये पैटर्न पे, ये पैटर्न पे एकदम डिफिकल्ट क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कैसे सॉल्व करते हैं। वापस मैं बताता हूं, मैंने प्योरली मोल मेथड यूज किया, वेट मेथड नहीं यूज किया, प्योरली मोल मेथड यूज किया। ओके ओके ओके, सभी लोग, सभी लोग, हाँ रुद्रा, एनी मेथड बेटा, यू आर कंफर्टेबल डू बाय दैट मेथड, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इक्वेशन कहता है कार्बन और ऑक्सीजन का मोल इक्वल है, तो आई विल राइट मोल ऑफ कार्बन बाय मोल ऑफ O2 इज 1:1। यहां तक क्लियर? ओम, यश, क्लियर हुआ? या गौरव, दैट्स करेक्ट, दैट्स करेक्ट। मोल रेशियो क्लियर हुआ? मोल रेशियो क्लियर हुआ? एवरीबॉडी, मोल रेशियो क्लियर हुआ? ओके, अब O2 को इस तरफ लेके जाऊं तो मोल ऑफ कार्बन इक्वल टू मोल ऑफ O2 बराबर। मोल ऑफ कार्बन में कैलकुलेट कर सकता हूं, गिवन वेट 108 अपॉन एटॉमिक वेट, 108 अपॉन 12 कितना आएगा इसका आंसर? 9, मतलब मोल ऑफ O2 इज इक्वल टू 9। मोल ऑफ O2 का फॉर्मूला, गिवन वेट ऑफ O2 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट ऑफ O2, मॉलिक्यूलर वेट इस तरफ जाएगा, आएगा आंसर 288। हो गया, हो गया? या किसी को भी डाउट है, किसी को भी चाहिए सर और एक बार एक्सप्लेन कर दो, किसी को भी डाउट है? ये मेथड सिर्फ बेसिक मेथड है, मैं हर एक उसमें क्वेश्चंस कराते रहूंगा, क्वेश्चंस कराते रहूंगा। सभी को क्लियर हुआ? हाँ वरड, आई एक्सप्लेन अगेन पाटिल साहब कि मोल ऑफ कार्बन मोल ऑफ ऑक्सीजन बैलेंस। अच्छा तुम एक काम करते ना, या पूर्वेश, आई विल डू दैट, एक काम करते ना, हम लोग इसको मास वाले मेथड से भी करते। तो लुकिंग एट द इक्वेशन, कैन आई से 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन? यस, हा या ना? इक्वेशन देखो, एक कार्बन को एक O2 लगता है, मतलब 12 ग्राम ऑफ कार्बन रिक्वायर्स 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। Therefore, 108 ग्राम ऑफ कार्बन विल रिक्वायर x ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो क्या हो गया, x इज इक्वल टू 32 इंटू 108 बाय 12, 32 इंटू 9, यू रीच्ड देयर। हाँ या ना, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जैसे मेथड चाहिए वैसे करो। इधर भी 32 इंटू 9 आ रहा है, इधर भी 32 इंटू 9 आ रहा है। क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे, डोंट वरी, क्वेश्चंस भरपूर मिलेंगे, असाइनमेंट होमवर्क भरपूर मिलेगा। ये क्लियर हो गया सभी को? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, यानी जब तक तुम इक्वेशन बैलेंस नहीं करते, जब तक तुम इक्वेशन बैलेंस नहीं करते तब तक ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते, तब तक ये लॉ अप्लाई नहीं कर सकते। इक्वेशन बैलेंस करना बहुत जरूरी है। ओके यश, फॉर दैट यू हैव टू कोऑर्डिनेट विद द कोऑर्डिनेटर जो तुमसे, तुमको डिटेल बताएंगे। हाँ सोहम, विच मेथड आई प्रिफर? ये ना मोल वाला मेथड मैं जनरली प्रिफर इसलिए करता हूं क्योंकि अभी तो मैं बहुत इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, इसलिए ये मेथड चल जाता है। लेकिन मोल वाला मेथड जो डिफिकल्ट क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें ये मोल वाला मेथड बहुत ज्यादा जल्दी कंप्लीट करने में हेल्प करता है, समझ में आया? तो इसलिए मैं ये मेथड, अभी देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में ये वाला मेथड जल्दी बताया। तुषार, दैट विल बी नेक्स्ट वीक, टेस्ट विल बी नेक्स्ट वीक, वो मैं बताऊंगा। अभी समझ में आया? अभी समझ में आया? क्लियर हुआ? ओके उसके बाद हम लोगों ने सेकेंड लॉ किया था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। ओके सेकेंड लॉ लिख लो। संजीवनी, फ्यू मिनट्स मोर बेटा। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन। हाँ, नहीं, किसी ने नहीं लिखा होगा तो लिख लो। Given
the law states that a given compound, law states that a given compound always contains same proportion of element by weight. Krishna, I'll explain that. It states that given compound always contains exactly the same proportion of elements by weight, irrespective of its source, irrespective of its source or method of preparation. मुझे बताओ, अगर कार्बन डाइऑक्साइड बनाया है तो ये बना 12:32, मतलब विच इज 3:8, सिंपलेस्ट रेशियो. या ओम, प्लीज वेट फॉर अ वाइल, ओम शिंदे. अब मैं मीथेन को जला के अगर CO2 बनाऊंगा मीथेन को जला के, तो मुझे बताओ कार्बन डाइऑक्साइड का प्रपोर्शन सेम होगा या इट विल बी डिफरेंट? इट विल बी सेम ना. लेट से मैंने इथेन जलाया तो यहां पे होता है 24:64, सिंपलेस्ट रेशियो कितना होगा? थ्री इज टू एट. यानी तुम ये पर्टिकुलर कार्बन डाइऑक्साइड कोई भी मेथड से बनाओ, उसका सिंपलेस्ट रेशियो विल बी 3:8, इरिस्पेक्टिव ऑफ इट्स सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन. CO2 कैसे भी बनाओ, सोर्स और मेथड ऑफ प्रिपरेशन कुछ भी रखो, CO2 का सिंपलेस्ट रेशियो विल ऑलवेज रिमेन 3:8. राइट ऑफ given compound always contains exactly the same proportion of element by weight irrespective of its source or method of preparation. Law of definite proportion or constant proportion. अच्छा, कौन से सेंटर का ये लॉ नहीं हुआ था? Which center? मुंबई, नासिक, औरंगाबाद, किसका नहीं हुआ था ये? नासिक. ओके, श्रेयस, यू वर देयर और नॉट देयर? ओके, ठीक है, क्लियर हुआ. अब सेकेंड लॉ, थर्ड लॉ पे हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट सेशन में सॉल्व करेंगे, ठीक है? आई होप अब ये प्रॉब्लम्स जो मैंने दिए थे ना आज, वो प्रॉब्लम्स तुमने वापस गो थ्रू करने. अभी कौन से बुक से सॉल्व करना है तो मैं ना PDF शेयर करवा देता हूँ तुमसे. फिलहाल PDF जो बुक का है ना उसमें इतना फायदा नहीं होगा. रीजन इज कि हमें और कंटेंट कवर करना है, उसके बाद वो बुक से हम लोग ये कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? मैं नंबर वापस लिख देता हूं. केमिस्ट्री रिलेटेड समस्या हो तो यहां संपर्क करें, बिल्कुल भी टोल फ्री नहीं है, ठीक है? ओके, हाँ. और बाकी इत्यादि समस्या को लेके नहीं है, सिर्फ केमिस्ट्री रिलेटेड. मतलब बाकी सर मेरा ब्रेकअप हो गया, अरे बहुत मारूंगा, फोन में घुस के मारूंगा, ठीक है? जो लोग CET लेवल कर रहे हैं वो लोग टारगेट, नमीत, ये MCQ बुक ले सकते हैं, ठीक है?
जो भी कोई नीट और मेंस एडवांस के लिए होगा वो लोग एररलेस रिफर कर सकते हैं. इसका लॉ, ये जो सेकेंड लॉ मैंने बताया 3:8 वाला, उस लॉ का नाम है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन और लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. लॉ ऑफ डेफिनेट प्रपोर्शन, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन. सनिका, एम्स के लिए कौन सा एग्जाम देगी तुम, नीट देगी या और कोई अलग एग्जाम देने वाली? हाँ, बुक परचेज कर सकते हो. ओके, सीईटी के लिए, सीईटी के लिए टारगेट पब्लिकेशन, मार्वल, नवनीत, कोई भी चलेगा. ठीक है किशा, होमवर्क तो एमसीक्यू बुक का जो होगा वो पीडीएफ भी मैं शेयर करूंगा. कॉन्स्टेंट प्रपोर्शन इज सेकेंड लॉ. या तो नीट के थ्रू अगर हम जाने वाले हैं तो जो भी प्रिपरेशन हमको एम्स के लिए करना है वो नीट के थ्रू ही करना है. हाँ, क्वेश्चंस नीट में जो होंगे वो मतलब वही वही लेवल के है ना, तो मैं बताते रहूंगा क्या क्या है. जेई एडवांस के लिए, फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एररलेस जेई मेंस एंड एडवांस का बुक आता है वो ले ले. एडवांस मटेरियल अलग से मैं क्लास में ही देता जाऊंगा तुमको, एडवांस का कंटेंट. और सॉल्विंग प्रैक्टिस जो करना है वो बुक बोला वो, प्लस अपना जो बुक मिलेगा वो. जो लोग सीईटी वाले हैं, नॉट अर्जेंट टू बाय अ बुक, बट हो जाएगा तो बेटर है. ओके, जो लोग सीईटी के लिए कर रहे हैं वो लोग मार्वल या टारगेट रिफर करें, कोई भी दिक्कत नहीं है. ओके, जितने भी तुम लोग यहाँ पर एक टारगेट रख के चलो कि तुमको केमिस्ट्री में मैं तुमको बोलूंगा सर, तुम्हारा डाउट आएगा सर मैंने कितना घंटा पढ़ना चाहिए, सर मैंने कितना आर्स पूरा दिन में डिवोट करना चाहिए पूरा पढ़ाई करने के लिए. नोट्स वगैरह कोऑर्डिनेटर से बात कर लें नोट्स के बारे में, सून यू विल गेट जो भी फॉर्मेट होगा. एररलेस तुम अगर नीट वाले हो तो एररलेस नीट वाला टाइप करके ढूंढो, और जेई मेंस एडवांस वाला अलग एररलेस आता है, उधर लिखा है हेडिंग में एररलेस केमिस्ट्री जेई एडवांस मेंस, ऐसा करके ढूंढो. तो जो लोग सॉल्विंग कर रहे हैं, कैलकुलेशन बहुत सिंपल है. अभी इनिशियल फेज में अपने को 20-25 एमसीक्यूज डेली सॉल्व करना है, डेली प्रैक्टिस होमवर्क. ओके, उसके अलावा जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैं बताते जाऊंगा. हमें थोड़े समय बाद, लेट्स से आफ्टर अ मंथ, मुझे तुमसे 6 घंटे केमिस्ट्री, 4 घंटे केमिस्ट्री, मेरे को वो बात ही नहीं करनी है आर्स में, मेरे को नंबर्स में बात करना है. तो तुम्हें मुझे 50 क्वेश्चन डेली देना है. ओके, 50 क्वेश्चंस डेली. ओके, जो लोग एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, एमसीक्यू अच्छी क्वालिटी की नरेंद्र अवस्थी से मिलेगी, वहां से करना है. तुम लोग ये कंसेप्ट हर एक में अप्लाई करो कि तुमको 50 क्वेश्चंस करना है. अब उसके लिए 1 घंटा लगे या 3 घंटा लगे, दैट इज योर लुकआउट, बट 50 क्वेश्चन डेली करना है. ठीक है, मंथली 1500 क्वेश्चन होना चाहिए. नो, अभी नॉट रिक्वायर्ड, मैं आगे बताऊंगा. लॉज वगैरह होने के बाद मैं भेजूंगा. इनिशियली सिर्फ 20 क्वेश्चन सॉल्व करने, मैं बताऊंगा कौन से बुक से, कहां से, सब बताऊंगा. अभी रुक जाओ, अभी सिर्फ रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दो. ओके, रीडिंग पे ज्यादा ध्यान दो. ओके, केवीपीवाई वाले, जो लोग 11th में केवीपीवाई देने वाले हैं वो लोग, तुम्हारा जो भी सब्जेक्ट होगा तुमको कंटेंट थोड़ा आगे आगे का पढ़ना पड़ेगा. ठीक है, सो बायो, अगर तुम मैथ्स वाले हो तो प्लीज बायो भी रीड करना शुरू करें. ठीक है, बायो भी रीड करना शुरू करें तो बायो का कंटेंट उनको थोड़ा, और जो लोग बायो वाले हैं थोड़ा सा टच इसके लिए भी रखें. ठीक है, यश कदम, दिस वॉज योर विच लेक्चर, लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3? हाँ, लेक्चर 4 ना, तो लेक्चर नंबर 4 कैसे, थर्ड होगा ना, 4 कैसे होगा. हाँ, तो यश तुम इस पे मिलो मुझे, मैं डिस्कशन करता हूँ तुम्हारे साथ. ओके, व्हाट्सएप पे मिलो. अथर्व, मोल कंसेप्ट का वेटेज ज्यादा है,
चैप्टर डिफिकल्ट भी है, और उसके बाद इसका एप्लीकेशन बाकी चैप्टर में बहुत ज्यादा है। ओके चलो बाय, टेक केयर किड्स एवरीवन, बाय, टेक केयर।